रहा। हाँ कोई दिक्कत? हम लोग कल क्या पढ़ चुके थे? भूगर्भ विज्ञान। कोई दिक्कत नहीं था। हम बोले थे कि रोज जो हम लोग 5 क्वेश्चन बीच में, 5 क्वेश्चन फर्स्ट में, 5 क्वेश्चन लास्ट में करते जाएगा, 15 15 क्वेश्चन बहुत रहेगा। भूगर्भ विज्ञान कल पढ़ा दिए थे ना। चलिए पूछते हैं, आप लोग रिप्लाई दीजिएगा, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी अप्रत्यक्ष रूप से हमको कहां से मिलती है? चलिए गुड जॉब, ठीक है, भूगर्भ विज्ञान से। अब बताइए पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? एडवर्ड सेक्स। गुड। इन्होंने कितने भागों में बांट दिया था पृथ्वी को, भारत को? 3 भागों में। कौन कौन? अभी बताइए सीमा जो है, सीमा का रेंज कितना से कितना बताया गया था? 100 से 200 किलोमीटर। अब बताइए स्वेक्स के अवधारणा करते हुए आधुनिक भूगर्भवेत्ताओं ने नई अवधारणा में पृथ्वी के सतह को या परत को कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। कोई दिक्कत? बताइए अगर 32 मीटर हम जमीन के अंदर जाएंगे तो घनत्व बढ़ेगा कि कम होगा? टेम्परेचर घटेगा कि बढ़ेगा? 32 सेंटीमीटर जाने पर कितना बढ़ेगा? सब तो याद है आप लोग के। चलिए आप, हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति। क्या पढ़ेंगे वो? पृथ्वी की उत्पत्ति। कोई दिक्कत? क्या हुआ? समझता पाए थे? असमर्थता। अच्छा ठीक है, असमर्थता फिर कभी देख लेंगे, टॉपिक है वो। पृथ्वी के कोड जो होता है ना, असमर्थता पहले देखिए रहते हैं, ठीक है। देखिए असमर्थता, पृथ्वी के परतों के मध्य पाए जाने वाले ऐसा संक्रमण है क्षेत्र में जहां दो परतें की विशेषता एक साथ पाई जाए, जहां दो परत की विशेषता एक साथ पाई जाती है उसे क्या कहेंगे? असमर्थता। कोई दिक्कत? ऊपरी क्रस्ट निचली क्रस्ट के बीच की सीमा क्षेत्र को कोनो राड असमर्थता कहते हैं। ऊपरी परत और निचली परत जहां मिलता है ना, उस क्षेत्र को कोनो राड कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन रहा? यही जो होता है असंभवता कहलाता है। अगर इतना समझ में नहीं आया तो हम अगला टॉपिक में इसको क्लियर कर लेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? वो पृथ्वी की उत्पत्ति। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत दिख रहा है ना आप लोग को? प्रारंभ में पृथ्वी धधकता हुआ आग के गोला था। पृथ्वी क्या था बाबू? आग के गोला था। यहाँ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है सोच में। सूरज जैसा है बाबू, सूरज भी एक ग्रह, सूरज एक तारा है ना? और सेम प्रोसेस सूरज का एक कण जैसा होगा पृथ्वी। पृथ्वी जैसा जो है ना, हजार गुना बड़ा है सूर्य, ठीक है। तो सूर्य से भी 1000 गुना चमकीला ब्रह्मांड में और कोई है? उस अभी हम नहीं जानकारी करेंगे, लेकिन पृथ्वी फर्स्ट में कैसा था बाबू? धधकता हुआ आग के गोला था। कालांतर में इसमें सिकुड़न उत्पन्न हुई और इसके बाहरी भाग को सिकुड़ गया। कालांतर माने बहुत वर्ष के बाद, ठीक है। इसमें क्या हुआ? सिकुड़न फील हुआ वो। कुछ समय पश्चात पृथ्वी के भाग बन गए। बाहरी भाग को पेथेलास कहा गया, आंतरिक भाग को पेंजिया कहा गया। देखिए बहु बात के माने पृथ्वी था क्या बहु? क्या पृथ्वी? ये फर्स्ट में क्या था? धधकता हुआ आग के गोला था। क्या था? धधकता हुआ आग के गोला था। कुछ समय बाद इसकी बाहरी परत में क्या हुआ फिर बहु? सिकुड़न हुआ। क्या बहु? सिकुड़न के पश्चात, कुछ समय के पश्चात बाहरी भाग को पेथेलाइज, क्या बहु? पेथेलासा लिख सकते, पेथेलासा, पेंथलासा, क्या बहु? पेंथलासा। आंतरिक भाग, आंतरिक भाग को बहु पेंजिया, आंतरिक भाग को बहु पेंजिया। कोई दिक्कत यहां तक लिखी को? पेंजिया कहा गया। आगे चलकर पेंजिया दो भाग में बट गया, माने कुछ समय के पश्चात कितने भागों में बट गया बहु? पेंजिया को दो भागों में बट गया। कोई दिक्कत बहु? पेंजिया का ऊपरी भाग को अंगारा लैंड कहलाया, जबकि दक्षिणी भाग को गुडवाना लैंड। माने बहु उत्तरी भाग को कौन बहु? अंगारा, निचली भाग को गोडवाना। कोई दिक्कत? अंगारा लैंड, इसको क्या कहते हैं बहु?
अंगारा लैंड, ऐसे बहु गोंडवाना, गोंडवाना। देखिए पहले बहु पृथ्वी धधकता हुआ आके गोला था, क्या लोकेश फिर बोलेगा हम कुछ कर रहे हैं। पहले क्या था पृथ्वी, आग का धधकता गोला था, कुछ समय के पश्चात इसमें सिकुड़न हुआ, ठीक है। फिर तुम लोग को ज्योग्राफी जब पढ़ाएंगे ना आर्य जो पार्ट टू में, उसे बताएंगे पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ अच्छा से। अभी हम इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, ठीक है, पार्ट वन ये हो जाए, ठीक है। पार्ट टू में पूरा बता देंगे पृथ्वी पर कितना हजारों वर्ष लाखों वर्ष पानी पड़ा, इसे सब बताएंगे, जन्म कैसे हुआ, पानी में कीड़ा मकोड़ा सहित मेमल्स का निर्माण सब बताएंगे ना, तो आप लोग क्लियर हो जाएगा। अभी इंट्रोडक्शन समझ लीजिए, पृथ्वी क्या था, आग का रखता हुआ गोला था, इसमें सिकुड़न कुछ साल के वर्ष के बाद इसमें सिकुड़न फैल हुआ। बाहरी को क्या बोलते थे, पेशलाशा बोलते थे, अंदरी भाग को क्या बोलते थे, पेंजिया। पेंजिया आगे जाके कुछ दो भागों में बट गया था बहु, अंगारा। उत्तरी भाग को क्या बोलते थे बहु, अंगारा। दक्षिणी भाग को बहु, गोंडवाना। कोई दिक्कत, चलिए बहुत अच्छा। वर्तमान में उत्तरी गोलार्ध के देशांतर अंगारा लैंड के भाग है। उत्तरी गोलार्ध को ही क्या बोलते हैं बहु, अंगारा लैंड। कोई दिक्कत, दक्षिणी भाग को गोलार्ध में देश गोंडवाना लैंड है, माने उत्तरी भाग में गोंडवाना एक देश है, मतलब अंगारा लैंड है उसी को बोलते हैं, और गोंडवाना एक देश। उत्तरी और दक्षिणी में दो देश के बात पता चल गया वो, उत्तरी में अंगारा लैंड, ठीक है, दक्षिणी में गोंडवाना। दिक्कत, भारत की उत्तरी भाग में अंगारा लैंड तथा दक्षिणी भाग में गोंडवाना लैंड का भाग है। अंगारा तथा गोंडवाना लैंड के बीच 33 सागर है, मान ये दोनों के बीच कौन सा सागर है, 33 सागर। कौन बो, 33 सागर। कोई दिक्कत बहु, ये दोनों देश के बीच में या ये दोनों के भाग के बीच में कौन सागर, 33 सागर है, जहां आज हिमालय पर्वत स्थित है। यहाँ क्या है बहु, हिमालय पर्वत स्थित है। कोई दिक्कत, तुमसे पूछेगा हिमालय पर्वत कहाँ स्थित है तो क्या बोलिएगा, 33 सागर के मध्य। कोई दिक्कत, अब बोले कौन दो भाग के बीच, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, पूछेगा गोंडवाना अंगारा के बीच, ठीक है, ऐसे ही पूछ सकता है, पूछ देगा बहु अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड के बीच कौन सा सागर है, 33 सागर, लेथिस की 33 33 न। कोई दिक्कत, आप पूछ लेगा हिमालय तो गोंडवाना और अंगारा। कोई दिक्कत, अब सुनिए बहु, महाद्वीपों के वर्तमान रूप को अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं मिलती है। बेगनर महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत दिया गया, उत्तरी ध्रुव की सीमा बिखरे हुए हैं, द्वीप पेथलांस का भाग है। उत्तरी सीमा किसका भाग है, पेथलांस का, पेथलास का, पेथलासा ही बोल सकते हैं, ये पेथलासा है बहु, एकर भाग है, क्या है बहु, इसका भाग है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम आप लोग को डायग्राम में समझा देते हैं, जैसे कि पृथ्वी था वो क्या था, हॉट था, मैंने आर ये था वो रेड हॉट। कोई दिक्कत, इसे सिकुड़न फील हुआ, क्या हुआ वो, सिकुड़ गया होगा पृथ्वी, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, सिकुड़ता इसी में जाता है, सिकुड़ गया आप फिर वो पेंजिया हो गया, पेंजिया मन समझते इसका परत बन गया होगा, तो परत क्या होता, अंडा का भी देखे हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, अब इसी को बाहरी परत को क्या बोलते थे वो, पेथलासा, अभी ये पढ़ाए हैं, अंदर वाला परत के बहु, हाँ, कोई दिक्कत, देखो अंदर वाला के बाहर वाला के, कोई दिक्कत, फिर देखो पृथ्वी आया, कोई दिक्कत बहु, दिक्कत, इसमें दो को बना था लैंड बहु, हम बताए थे उत्तरी और दक्षिणी पढ़ाए थे ना, कोई दिक्कत, अंगारा लैंड, आए इसको बहु गोंडवाना। कोई दिक्कत, समझा गया, अब ऐसा था सिकुड़ा अंदर वाला भाग को
पेंजियन होता है ना, पेंजियन दे दिए, कोई दिक्कत? अब बाहर वाला को इसका दो गो बहु, ये दोनों के बीच के कौन सागर बहु? अभी हम सागर का नाम, तीनों के बीच का सागर नाम क्या था? आ? एथिस की तेथिस, तेथिस तेथिस ना, कोई दिक्कत? आ ये दोनों बीच में कौन हिमालय बहु? हिमालय ना, कोई दिक्कत? समझा गया आप लोग, क्लियर यहां तक ले? अभी हम कुछ लिखे सिर्फ आप लोग को डायग्राम या चित्र पार कर समझा दिए। आप प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत समझिएगा बहु, प्लेट विवर्तनी, प्लेट के बारे में आप लोग समझते हैं? ठीक है, आप लोग जो होता है ना इसी डायग्राम पार के थोड़ा समझ लीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा डायग्राम पार के, ठीक है, कि ताकि आप लोग को ज्यादा बेहतर से बेहतर समझ में, रटना ना है कोई चीज को। जानते हैं दुनिया में सबसे बड़ा तकलीफ चीज की क्या होता है? दो चीज, जब दो व्यक्ति होता है ना बहुत तकलीफ, बहुत समय सहा नहीं जाएगा। कौन कौन समय? पिताजी देखे हैं, एक जवान बेटा के अर्थी दे रहा, वो तकलीफ कभी नहीं सहा जाएगा किसी से, अगर वो सह रहा तो जीते जी मर गया, ठीक है। दूसरा तकलीफ, बस्ता ढोवे को उम्र में घर के जिम्मेवारी ढो रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा तकलीफ है, समझ में आया? इसीलिए कहते हैं तकलीफ नहीं ढोना है। फर्स्ट लत नहीं कह सकते, अभी आप लोग शादीशुदा हैं सेकेंड वाला के, तो अच्छा से पहले पढ़ लीजिए, 2024 में इतना वैकेंसी आवेला है ना, पार हो जाएगा नहीं, ठीक है। आप पढ़ेंगे वो प्लेट का विवर्तनीय सिद्धांत, ये पढ़ेंगे, पृथ्वी का निर्माण समझा गया ना, कोई दिक्कत? भूकंप देखे हैं? भूकंप देखे भी नहीं किए होंगे, फील किए होंगे, झूठ क्या बोलते, देखे हैं। इसे हेनरी हैंस ने दिया, इसे कौन वैज्ञानिक ने दिया था? वो हेनरी हैंस, हैरी हैंस, कोई दिक्कत हो? अब सुनिए बहु, इसे हैरी हैंस ने दिया, इसके अनुसार से पृथ्वी बहुत मोटे प्लेट पर टिकी है, इसी प्लेट की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है। मैंने बोला बहु, हैरी हैंस ने बोला जो पृथ्वी है एक प्लेट पर टिका हुआ है, वो प्लेट की मोटाई कितना है बहु? 100 किलोमीटर होती है, कोई दिक्कत बहु? इसकी मोटाई कितना है बहु? 100 किलोमीटर, कोई दिक्कत? देखिए समझिए, पृथ्वी पूछ जाए कहाँ टिकी हुई है, तो मुँह चार दिन हो जाएगा, पहले जब हल्ला कर रहे, देखिए उधर बच्चा कितना हल्ला कर रहा है, नहीं चांस है कि सुधर जाइए। महासागर के समीप ए प्लेटें पतले होते हैं, जबकि महाद्वीपों के समीप ए प्लेट मोटे होते हैं। महासागर के समीप क्या होता है बहुत? प्लेट पतला, महाद्वीप के समय मोटा। जैसे कि हम आप लोग महाद्वीप पढ़ा दिए, महासागर पढ़ा दिए, नहीं पढ़ा दिए थे, कोई दिक्कत? पृथ्वी पर कुल 7 बड़े तथा 20 छोटे प्लेट है, माने वो पृथ्वी पर कुल प्लेटों की संख्या कितनी है? 7 है जो बड़ा है, अब 20 को जो है छोटा है, कोई दिक्कत? प्लेटों की संख्या पूछ ले तो प्लेटों की संख्या को टोटल कितना हो जाएगा? बड़ा छोटा मिला, कोई दिक्कत? सबसे बड़े प्लेट उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, अमेरिका, यूरोप, यूरेशिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्रांत महासागर प्लेटों के अभिसरण, जिसको बोलते हैं अभिसरण, समझते हैं टकराना, टकराने से भूकंप आते हैं, अर्थात प्लेटों का किनारा भूकंप का कारण बनता है। प्लेट जैसे कि आप, जैसे यहाँ एक लड़की है, क्या ठीक है, आया है एक लड़की है, ठीक है, कोई दिक्कत? ये दोनों टकराइएगा तब ना फील कीजिएगा, ये दोनों टकराइएगा तब फील कीजिएगा, चोट लग गया, ठीक उसी प्रकार से बहु ये प्लेट है, कोई दिक्कत? ये दोनों आपस में टकराएगा तब ना हिलना डुलना का एहसास होगा, आ जब टकराएगा तो एक ऊपर नीचे हो ही जाएगा, जैसे ये टकराएगा तो एक ऊपर आएगा चाहे वो नीचे जाएगा, ये ना होगा। बाई चांस आप जा रहे हैं फोर व्हीलर से,
छोटा गाड़ी है, आप दर्शक का टकरा जाइएगा, थोड़ी दर्शक ऊपर आप चढ़ जाइएगा, वो आप पर चढ़ जाएगा। तो ठीक है, उसी प्रकार से जब प्लेट टकराता है तो एक प्लेट ऊपर या नीचे जाएगा, ठीक उसी प्रकार से भूकंप होता है। टकराने के बाद भी भूकंप जो प्लेटों के अकेले में निर्माण होता है, भूकंप कहाँ आता है वो दिक्कत, किनारा में भूकंप आता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ किनारा भूकंप का कारण बनता है, नवीन परतों के बीच भूकंप आते हैं, प्रशांत महासागर प्लेट सर्वाधिक से सीमा बनता है, वो सबसे ज्यादा प्लेट का सीमा किससे बनता है, वो प्रशांत महासागर से, किससे वो प्रशांत महासागर से, जिस कारण प्रशांत महासागर सर्वाधिक भूकंप आते हैं। तुमसे पूछेगा कौन सा महासागर में सबसे अधिक भूकंप आते हैं, प्रशांत महासागर, ये तो ऑब्जेक्टिव आप पूछ लेगा सब्जेक्टिव में, क्यों बताइए क्यों, क्योंकि सबसे अधिक प्लेटों का निर्माण कहाँ होता है, वो प्रशांत महासागर में। आप मेला में एक ही आदमी रहेगा, किससे हल्ला उल्ला होगा, मेला में 100 आदमी रहेगा, हल्ला हुए करेगा, समझा या? ठीक उसी प्रकार से प्रशांत महासागर प्लेटों की संख्या अधिक है, इसीलिए सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आएगा, प्रशांत महासागर में आएगा, आएगा ना जी। नेपाल यूरेशिया तथा इंडो ऑस्ट्रेलिया की सीमा पर है, जिस कारण वह भूकंप आता है, सर्वाधिक कौन सा देश में भूकंप आता है, नेपाल, नेपाल वहां कम भूकंप आता है, जापान में सर्वाधिक आता है, क्यों नहीं पता। अंटार्कटिका प्लेट किसी भी प्लेट के समीप नहीं है, अंटार्कटिका जो है महासागर वो किसी के समीप नहीं है, जिस कारण वहां भूकंप नहीं आता। ठीक है, संरचनात्मक प्लेट बहुत, ठीक है, जब दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति होते हैं, इस प्लेट के किनारे रचनात्मक किनारा कहते बहुत, जब दो प्लेट विपरीत दिशा में, माने बहुत एक प्लेट इधर है तो एक प्लेट इधर होगा, सॉरी इसका उल्टा होगा, कोई दिक्कत, विपरीत दिशा में, उसे क्या कहेंगे, रचनात्मक, कोई दिक्कत, रचनात्मक किनारा, की कहेंगे रचनात्मक, जब दो प्लेट आपस के विपरीत दिशा में, क्या बोलो, आपस के विपरीत दिशा में, उसे कौन सी कहेंगे, रचनात्मक किनारा कहते हैं, कोई दिक्कत। इन प्लेटों को अपसारी प्लेट भी कहते हैं तथा प्लेटों की गति को अपसारी गति भी कहते हैं। बताइए प्लेट की गति को क्या बोलेंगे, अपसारी गति बोलेंगे, कोई दिक्कत। आप लोग को हम बोले ना फर्स्ट क्लास में बोले, आप लोग को विधाता नहीं बनना है, हम जो बोल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर बात हम बोर्ड पे लिखेंगे तो हमने बोले लिखना हमें पसंद नहीं है, आप लोग को लिखे लिए नहीं बोलते हैं, सिर्फ आप लोग सुनिए समझिए। आप लोग अगर नोट डाउन भी घर में करते हैं तो आप बनाइए, कॉपी जो होता है बनाइए, कि ताकि दूसरा बार पढ़िएगा ना तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे पूछ लेंगे वो प्लेटों को गति को क्या बोलते हैं, अपसारी गति, कल पूछेंगे ना पढ़ाए थे, बोर्ड पे कहाँ लिखे थे आप, तो बोर्ड पे हर बात लिखना जरूरी है, हर चीज का सबूत लिखे, तब फिर आप लोग को इसे पूछेंगे कल क्वेश्चन। विनाशी प्लेट समझिएगा बहू, जब दो प्लेट आपस में टकराती है या एक दूसरे की दिशा में गतिशील होती है तो प्लेट के विनाश के कारण बनती है, चूंकि यहाँ प्लेटों का विनाश होता है इसीलिए इसे विनाशात्मक प्लेट या विनाशी प्लेट कहते हैं। देखिए बहू, एक एक गाड़ी उधर से है, एक गाड़ी इधर से है, जब आपस में टकराएगा तो विनाश ही ना होगा, एगो 10 kg एगो 10 kg दोनों टकरा देंगे, विनाश ही ना होगा। ठीक है, जब दोनों प्लेट आपस में टकराती है तो विनाश के कारण बनवे करेगी, और जब विनाश होगा तो भूकंप एवे करेगा, अब भूकंप आएगा तो हम लोग को क्षतिग्रस्त तो झेलना पड़ेगा। ठीक है, अब सुनिए विनाशी प्लेट समझ में आ गया बहू, कोई दिक्कत, विनाशी प्लेट में किसी की दिक्कत नहीं है। आप सुनिए बहू, संरक्षित प्लेट या रूपांतरण, जब दो प्लेट एक दूसरे के समांतर गति करती है, क्या बहू, जब दो प्लेट एक दूसरे के समांतर गति करती है जिसे ना तो किसी प्रकार की भूपट्टी का निर्माण होता है और ना ही किसी भूपट्टी का विनाश होता है, इसे रूपांतरण या संरक्षित प्लेट कहते हैं। रूपांतरण प्लेट किसे कहते हैं, दोनों एक दिशा में भागता है, यहाँ ना विनाश होता है ना कुछ होता है, और दोनों एक दूसरे के गति में क्या होता है, गतिशील होता है, और इससे कोई किसी का खतरा नहीं, ऐसे क्या कहेंगे, रूपांतरण या संरक्षित प्लेट कहेंगे, कोई दिक्कत। अभी आप लोग से पूछते हैं, ठीक है, आप लोग बोलिएगा, ठीक है, पहला देखिए संरचनात्मक बोलिए, बोलिए
जब दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील होते हैं तो इस प्लेट को किनारे को संरचनात्मक प्लेट कहते हैं। दोनों प्लेट के एक दूसरे क्या होगा विपरीत, उसे क्या कहेंगे संरचनात्मक प्लेट कहेंगे। कोई दिक्कत? इसके गति को क्या कहते हैं बहु? इस प्लेट के किनारे को रचनात्मक किनारा कहते हैं। अभी टकराया तो क्या कहेंगे संरचनात्मक। ऐसे रचनात्मक कब कहेंगे? प्लेट के किनारा के, मान प्लेट जैसे प्लेट है बहु, ये दोनों के दूसरे टकराया इसे क्या कहेंगे? ऐसे किनारा क्या कहेंगे? रचनात्मक। कोई दिक्कत? इसे किनारा क्या कहेंगे? रचनात्मक। इस इन प्लेटे के अपसारी, इस प्लेट को अपसारी प्लेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम है बहु, कौन नाम है बहु? अपसारी, अपसारी प्लेट। कोई दिक्कत? अब आते हैं बहु विनाशी प्लेट। आप लोग नए लिख रहे थे इसीलिए हम सोचे आप लोग को याद करा दे। विनाशी प्लेट देखिए बहु, आपने जानिए विनाश होता कैसे है। आप किसी से लड़ाई झगड़ा करवे नहीं कीजिए, क्या आपका कोई नुकसान होगा? वर्ल्ड वार वन वर्ल्ड वार टू जब हुआ, वर्ल्ड वार के मतलब पूरा देश भाग लेता उसमें, ठीक है ठीक है, उसमें विनाश तो होवे करेगा। दो देश आपस में लड़ेगा, दो देश का विनाश होवे करेगा, कम हो चाहे ज्यादा हो, कोई दिक्कत? कम हो या ज्यादा हो, होना तो जरूरी है। ऐसा बात थोड़ी ना लड़ेगा कुछ बात नहीं होगा। जब दो प्लेट आपस में टकराती है या एक दूसरे के दिशा में गतिशील होते हैं तो प्लेट के विनाश के कारण बनती है। मन एक दूसरे के मन की बोला वो एक दूसरे आपस में टकराती है तो क्या होगा? विनाश के कारण बन में करेगा। अब आते बहु रूपांतरण या संरक्षी। क्या बहु? देखिये बहु, जब दो प्लेट एक दूसरे के समांतर गति करती है, मतलब वो हो 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ ये हो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, जिससे ना तो किसी प्रकार की भूपट्टी का निर्माण, इसमें भूपट्टी का निर्माण नहीं होता, दोनों का गति क्या होता है? समान होता है, और ना ही भूपट्टी का विनाश होता है, मतलब इसमें कोई नुकसान भी। अच्छा बताइए, हम भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा भाग रहे हैं, तू भी यहां 10 किलोमीटर प्रति घंटा भाग रहे हैं, पकड़ाएंगे यो तोरो 10 हमरो 10, समान लाभ लगे हमारे पास 10 रुपया तोरो पास 10 रुपया, दोनों समान कम बेसी मिलेगा नहीं ना, दोनों बराबर मिलेगा, तुम्हारे पास भी 10 रुपया हमारे पास भी 10 रुपया, दोनों का गति क्या होता है? समान होता है बहु, इसमें भूपट्टी का निर्माण नहीं होता है बहु, कोई दिक्कत? इसे रूपांतरित या संरक्षित प्लेट कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना, प्लेट समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत प्लेट में? किसी की दिक्कत है बाबू? किसी को भी एको परसेंट? भूकंप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक। कोई दिक्कत? क्विक। कोई दिक्कत? हम लोग पढ़ेंगे भूकंप, सुनिए बहु, भूपट्टी के अचानक दोलन या कंपन को भूकंप कहते हैं, माने जमीन अचानक से डोल जाता या कपता है तो मतलब भूकंप आ गया, वही ना बोलते हैं, तो उसी को बोला बहु भूपट्टी के अचानक दोलन या कंपन को क्या बोलते हैं बहु? भूकंप। कोई दिक्कत? तो पहला क्वेश्चन आप लोग के क्लियर हो गया बहु, भूकंप किसे कहते हैं? क्लियर हो गया। कोई दिक्कत? भूपट्टी पे अचानक कंपन या दोलन को ही क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं, ठीक है। अब सुनिए बहु, फोकस जिसको बोलते हैं मूल, पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से भूकंप प्रारंभ होता है उसे मूल कहते हैं। माने बहु पृथ्वी के अंदर से जिस स्थान से भूकंप आता है उसे क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। मूल भी आप लोग को लगता है क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? हम पढ़ाएंगे ये भूकंप कितना प्रकार के, भूकंप को कैसे से मापा जाता है, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं इसका, ठीक है। आप अधिक इन दो, पृथ्वी की सतह का वह स्थान जहां भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुंचती उसे क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। अधिकेंद्र किसे कहते बहु? जहां भूकंप क्या हो सबसे पहले पहुंच जाए उसे क्या कहेंगे? अधिकेंद्र, ठीक है। अधिकेंद्र समझ में आ गया आप लोग को? देखिए वो भूकंप, भूपट्टी पे दोलन या कंपन उसे क्या कहेंगे? भूकंप। जहां से भूकंप आता है उसे क्या कहेंगे? मूल। और जहां पे पहले भूकंप पहुंचता है उसे क्या कहेंगे?
अधिकेन है। कोई दिक्कत, समझा गया? अब भूकंप तरंगे बहु, भूकंप जो होता है इसका तीन तरंग है, कितने बहु? तीन तरंग। कोई दिक्कत, भूकंप के कितने तरंग बहु? पी एस एल। कोई दिक्कत बहु, भूकंप से कितने तरंग निकलते हैं? पी एस एल। हम पढ़ाएंगे भी आप लोग, क्लियर, टेंशन मत लीजिए। पी तरंग, इस सब क्या है? वो तरंग है, क्या है? पी तरंग। आप लोग को लगता है नींद आ रहा, जानते हैं आदमी को सब कुछ करना है तो पहले नींद के कटौती में आपको करना है। आप सोने वक्त नहीं पूछते हैं कि दो घंटा सोए कि तीन घंटा सोए, लेकिन पढ़ने वक्त सब पूछता है भैया कितना घंटा पढ़ना चाहिए, पूछते हैं ना? नहीं। अगर किसी को, व्यक्ति को कुछ करना है तो पहले नींद को कम करना है। कैसे नींद आ सकता है? आप सोचे हैं आपके पिताजी क्या करते हैं, कितना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए? गरीबी से निकलने का एक ही औजार है, शिक्षा, वो सही से कीजिए। नींद कैसे आ सकता है? हमको रात की नींद उड़ जाता टेंशन से। कभी सोचे हैं, हम रात के सोच रहे थे, अचानक से बाय चांस हम मर गए तो सबसे ज्यादा मिस क्या करेंगे? हम सबसे ज्यादा अपना क्लास को मिस करेंगे, समझा या? आप लोग सोचे हैं, अगर आप लोग अचानक चल बसे किसको याद कीजिएगा सबसे ज्यादा? कभी सोचे हैं इसको? हमको तो नहीं करने वाले हैं, अच्छा हुआ वहां छुटकारा पा गए क्या? तो हम सबसे ज्यादा अपना क्लास को मिस करेंगे, तुम लोग को तो बहुत याद करेंगे। हम बात क्यों, कहीं चल भी जाएंगे ना, तुम लोग को सबको मोबाइल नंबर ले जाएंगे, पर्सनली संडे संडे सबको फोन करेंगे कि चल रहा है तुम लोग के खाता पानी। हाँ, तो तुम लोग को हम बहुत याद करेंगे। हमको संडे इतना बेकार जाता है ना, क्या बताएं। जिस दिन आप लोग से क्लास नहीं लेते, आप लोग से बात करते, हमको संडे बेकार जाता है। हम तो दिन काटते खोजते किधर जाके का घंटा बैठे, समझाया? मेन बात सोचिए, लड़का के मैंने 50-60 या 200 बहन हो, 300 भाई हो, अगर वो एक दिन ना मिले उसको कैसा लगेगा मन में? हमको एकदम कलबली नहीं लगता है। तब हम जो बुजुर्ग मिलता है उनको रोका के बातचीत करते रहते हैं। संडे को हमको बहुत बेकार जाता है, 4-5 घंटा पढ़ते हैं और बाकी घंटा की करेंगे? नींद आता रहे दिन को, हमको ऐसे घूमते रहते इधर उधर कि कोई तो मिल जाए, समझाया? तो हम सबसे ज्यादा मिस आप लोग करने वाले हैं, और अभी हम मरने वाले भी नहीं है, ठीक है? मिस नहीं करेंगे, सॉरी, मन में लगा लिया होगा जुगाड़बट्टी, ठीक है? भूकंप से कितने तरंग निकलते हैं? तीन तरंग, ठीक है? कौन कौन? तो हम लोग एक एक तरंग करके पढ़ लेंगे। पहला पढ़ेंगे कौन बहु? पी तरंग। कौन? सुनिए बहु, इनकी चाल 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, मैंने एक गिनिएगा कितना किलोमीटर चल जाएगा? 6 किलोमीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? पी तरंग की चाल कितने होता है बहु? 6 किलोमीटर प्रति सेकंड। अतः यह पृथ्वी के सबसे पहले, पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचे, जिस कारण से प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। देखिए बहु, पी तरंग को प्राथमिक तरंग भी कहते हैं, काहे? पृथ्वी पर क्या होता है? सबसे पहले चलाता है, ठीक है? जिस कारण से प्राथमिक तरंग कहते हैं, पी तरंगे अनुदैर्ध्य होती है, ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलती है, यह सबसे कम क्षति करते। माने बहु क्या बहु? ये अनुदैर्ध्य होती है और ठोस, दल, गैस तीनों अवस्था में चलती है और ये सबसे कम नुकसान करती है। क्या करती है? सबसे कम, क्योंकि इसको स्पीड जो होता है ना, बहुत स्पीड होता है। अच्छा बताइए, आप यहाँ खड़ा है, बगल चश्मे नहीं चल जाएगा, बदलेगा? आ कोई आएगा मटक मटक के चलेगा, ध्यान तो चलिए जाएगा। अच्छा एक बात, ये लड़की बोलता है, लड़की बोलती है कि लड़का लोग बाइक हम लोग को चला के दिखाता है स्पीड में। अच्छा एक बात बताइए, स्पीड चला का है रहा, पागल है, मुंह देखने खोज रहा होगा तुम्हारा? अगर हमको दिखाना होता तो धीरे धीरे न जाते। अच्छा बताइए, आपको कोई चीज देखना है? जैसे हम बचपन में टीवी देखे जाते थे, ऐसे उल्ला पुल्ला के देखते थे, और हमको नहीं देखना था तो हम कहा उलकेंगे? इसीलिए गाड़ी लड़का स्पीड लेके चलाता। लड़की लोग घमंड में, हमरे दिखा रहा लो, थोड़ा दिखा नहीं रहा तो मुंह देखे ना खोज लो, इसीलिए उसका स्पीड दुगना हो जाता है। लड़की लोग थोड़ा कम समझदार होती है ना, समझिए बातों को। अगर वो लड़का को आपको देखना होता, वो स्टैंड पर गाय करता या अपना गियर डाउन करता या क्या करता, उसको 5-10 मिनट रोक लेता या स्पीड धीरे कर देता। लेकिन लड़का अपना स्पीड बढ़ा देता है और लड़की घमंड में आ जाती है, क्या
हमरे चलते कर रहा लो भैया, आपके चलते नहीं कर रहा, उसको अंदर कलबल्ली होगा, वो भगा रहा है कि मुंह नहीं देखेंगे। आप लोग समझदार हो जाइए अब, तो ठीक है। पीतरंगी का स्पीड कितना होता है? यह अनुधैर्य होती है, ठोस दर गैस तीनों अवस्था में चल सकती है, और इसका कम नुकसान होता है, क्या होता है, कम विनाश लिख दीजिए, ठीक है को, इसमें कम नुकसान होता है, कोई दिक्कत। ऐसे प्राथमिक तरंग क्यों कहता है? क्योंकि पृथ्वी पर पहले पहुंच जाता है, पीत रंगे हो गया, क्लियर, कोई दिक्कत किसी को? अब आता देती है तरंग जिसको बोलता सेकेंडरी, कोई दिक्कत? गैस तरंग की बहु समझ में आ रहा है आप लोग को, कुछ रटे पड़ रहा। इसका इसका स्पीड जानते हैं, 3 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, कितना होता है बहु? 3 किलोमीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत दो किसी को भी? या पी तरंग के बाद पहुंचती है, अच्छा इसे द्वितीय तरंग का देखिए, कहते बहु ये पी तरंग के बाद पहुंचती है, मैंने पहला ही है तो दूसरा ही है, द्वितीय तरंग लिखे इसको फायदा नहीं, हम वही चीज लिखेंगे जो बात को नोट किया जा सकता है। इस तरंगे को द्वितीय तरंग भी कहते हैं, कोई दिक्कत बहु? इसकी गति कितना होता है? 3 किलोमीटर पर सेकेंड होता है बहु। यह अनुप्रस्थ होती है जिस कारण से द्रव में नहीं चल सकती है, वो अनुधैर्य होती थी तीनों में चलती थी, ये अनुप्रस्थ होती है, ये द्रव में जो होता है वो नहीं चल सकता है, ये बहु ठोस में चलेगा, गैस में चलेगा, द्रव में नहीं चलेगा, क्या बहु? ठोस चलेगा, ठीक है, द्रव में ना चलेगा, गैस में चलेगा, कोई दिक्कत? समझ में आ गया। सुनामी के दौरान यह तरंग उत्पन्न नहीं होते, इसमें पी तरंगे की तुलना अधिक होती है, क्षति पी से ज्यादा नुकसान क्या करता है? एस करता है, माने बहु इससे ज्यादा क्या करता है बहु? एस, पी से अधिक, कोई दिक्कत? माने पी तरंगे का स्पीड ज्यादा रहता था 6 किलोमीटर पर सेकेंड, वो हड़बड़िया में निकल जाता था तो कम नुकसान करता था। एक गिलास रखे टेबल पे, उसके नीचे कागज रखिए, अचानक से खींच दीजिए, क्या होगा? कागज निकल जाएगा, गिलास नहीं गिरेगा, आ कागज रखे ऐसे उठा दिए, धीरे से उलट जाए गिलास, पानी गिर जाएगा, नहीं समझे? जैसे टेबल है, ठीक है, इस पर एक गिलास है, ऐसे पानी है, ये कागज यहां से अचानक से खींच देगा 6 किलोमीटर पर सेकेंड से, नहीं गिरेगा, आएगा धीरे से उठा दे खाली, इसे गिलास उलट नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा गति धीरे या धीरे धीरे खींचे गिर जाएगा गिलास, गति उसमें अधिक था, किसमें? पी तरंगे में, ठीक है, इसीलिए उसमें कम नुकसान किया, पानी हिला उला होगा, आज ये धीरे धीरे था, बेचारा घिस के गिर गया। तो बहु पी तरंग को प्राथमिक तरंग कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचता है, इसका स्पीड 6 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ये अनुधैर होता है बहु, ठोस दर गैस तीनों में चलता है बहु, इस विनाश कम करता है, क्या करता है बहु? कोई दिक्कत? आप पी एस तरंगे बहु, इसे द्वितीय तरंग भी कहते हैं, इसका गति 3 किलोमीटर पर सेकंड होता है बहु, ये अनुधैर्य के अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ होता है बहु, इसका गैस जो द्रव में होगा नहीं चल सकता, ठोस गैस में चलेगा, आप पी से अधिक क्या करता है बहु? एस तरंग नुकसान करता है, कोई दिक्कत? इसे द्वितीय तरंग भी कहता है, कोई दिक्कत? अब तीसरा कौन था बहु? आप सुनिए बहु, तरंग तरंग बोल रहे हैं, एल तो है ये है, ठीक है, तरंग तरंग बोल रहे हैं, तरंग की खोज क्या किया था? एच डी लव ने तरंग की खोज क्या किया था? तरंग की खोज एच डी लव। हमारा दुनिया में सब एक के नाम से नफरत है, हटा दे रहे दो, इन्होंने धरातलीय इन्हें धरातलीय तरंग कहते हैं, कोई दिक्कत? एल तरंग के ना वो लव वो नाम वो वैज्ञानिक के नाम था एल तरंग, ठीक है, लिख रहे हैं, एल तरंग को क्या बोलते हैं बहु? इसका खोज किया था, कोई दिक्कत है? वैज्ञानिक नाम है, ए धरा था एल का, ये धरा तलीय तरंग है, क्या है बहु? ए धरा तलीय तरंग है बहु, कोई दिक्कत? इसकी चाल कितना होता है बहु? 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत बहु? यह तीनों माध्यम में चल सकता है, इसकी गति सबसे धीमी होती है, इसे क्षतिग्रस्त सबसे अधिक होता है, मने बहु ये ठोस द्रव गैस तीनों माध्यम में चलेगा, ये आराम से देखेल खोजता है, जो होता है ना एल तरंगे देखेल खोजता है, आप जान रहे हैं जो देखेल खोज रहा है उसका स्पीड क्या होगा? कम होगा, कम है तो लड़कियां लोग कभी देख रहे दौड़ के भागता है ना, ना लड़कियां लोग जैसा इसका चाल होता है, धीरे धीरे मटक मटक जा रहा है, आई देख रहा है, ये तो लड़का ही सब है, लड़का दो ये टाइप के होता है, एक होता सीधा और दूसरा उससे भी सीधा, लड़का खसरा नहीं होता है ना, ना लड़का ऐसा पूर्णात्मा आज तक नहीं देखे। देखिए बाबू हम बताते हैं, लड़का लोग लड़का लोगों को कोई देखभाल करने के लिए नहीं होता,
हमरा छोड़ के खान सर के छोड़ के लड़का लगता कोई देखिए न रहा, ठीक है। लड़का लड़की स्कूटी से गिर गया, लड़की गिर गया, 14 को दौड़ेगा ऊपर उठवे ले, उठा पहले बैठाएगा, मैंने पानी पीजिएगा, पर लीजिए हमारे दुकान से कुछ खा के जाइए, लाइए घर के मोबाइल नंबर फोन कर देते हैं, लाइए आपको घर छोड़ लेते, फलना ढकना एड्रेस एड्रेस सब पूछ लेगा, गाड़ी तक ले बनवा देगा, और लड़का गिरा तो मर साला हीरो बनता है, कोई देखे लायक नहीं लड़का के, तू खून से लथपथ है, तो देख तो पर्स के नहीं है को निकाले कर पर्स, तो देखेगा बेल्ट के नहीं जूता तक ले भाग जाएगा, और गाड़ी की लाइट तक चुरा लेगा, इतना इतना खचर होता है, समझे। लड़का कोई देखे तक नहीं खोजता बुआ, आ तो मोबाइल चुरा लेगा, फोन के करेगा तोरा से, तोरा एक के बार उठा ले जाएगा 112 हुए हॉस्पिटल, केस होगा FIR जो भी होगा, तुमको हॉस्पिटल में एडमिट करेगा, तब कोई गुजारा तो पता चलेगा, न्यूज पेपर से घरे पर चल तू, ये हमारे बाल बुतरू अलो न, समझा। आज आप लोग जाते हैं ना बाबू, कुछ ही बोलता है, कहीं परीक्षा देने जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, जब मम्मी फोन करती है कहाँ पहुंच गया, वो पहुंच गया ही नहीं पूछता, जाने खोजता कि हमारा बाल बच्चा सुरक्षित तो है ना। और आप लोग बार बार फोन में करते हैं घर कटो, नहीं ये गलत बात है, कभी भी आपके बड़े बुजुर्ग जब घर से फोन करें ना तो उठाइए और सहूलियत से बोलिए कि हम पहुंचे नहीं या ट्रेन पे सुरक्षित है, बाप माई को बोका मत समझिए, ठीक है। बाप माई बहुत समझदार होते हैं, कि कभी आपको बोले हैं पापा कि तू ट्रेनों में तरह दिक्कत हो फोन करिए ना, है बीच बीच में फोन ना कर दो, पूछिन कहाँ तक पहुंच, घर तो सबको बोलते हो कि पूछिन कहाँ तक पहुंच ले, लेकिन पूछ तो करस कि पहुंच गया, डायरेक्ट बोलते पहुंच गया, तो तू अपने बते में कि ना अभी तो हम पटने में हो, बोलेगा ना जी। इसीलिए बोलते हैं बाप माई को नेग्लेक्ट नहीं कीजिए, 10 मिनट मिले तो बाप माई के साथ में बैठिए, लेकिन आप लोग क्या करते हैं व्हाट्सअप फोन एवं बैठ जाइए, नहीं अब बाल बच्चे के पास समय ही नहीं, कितना बाल बच्चे धमकी देता है कि धमकी देता छोड़ के चल जाएंगे घर, हमको 2 दिन ना छोड़ जाए अपन घर, सब बाप मैं कह धमकी देता, आज कभी घर छोड़ के अकेला रहे, एक लड़की से पूछिए जो शादीशुदा होता है ना, वो लड़की से पूछिए घर छोड़ने का मजा क्या होता है, जे लड़का चाहे लड़की छोड़ बोलता है ना धमकी देते हैं, फ्री के खाना के देगा जी, फ्री के कोतरे को बात को बोलता है मार्केट में, बाप मैं फ्री खाना फ्री कपड़ा फ्री सब कुछ, तू नहीं लेकर देख लो खा पी के निकाल लेगा बैट बॉल, 50 रुपया हम मिलाएंगे, क्या नहीं बोलता है, घर छोड़ दीजिएगा फ्री के कोई 4 को बात नहीं पूछता, तू देखा रजलिंद्रा को पूछता है, नहीं पूछेगा, बाप माए टाइम टाइम पर पूछेगा, खाना खाई रहे ना खाए, मम्मी पूछे वाला भला के दूल्हा पर मार देगा लेकिन पूछेगा, ठीक है। एगो कहानी बोलते थे हमारे मैडम, एगो पढ़ाती थी, देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, आखिर अपने तो अपने होते हैं, आखिर में काहे होते हैं बाकी में काहे नहीं होता है, आखिर में ना ये दो ये तीने व्यक्ति होता है, बहु 4 व्यक्ति हम कह सकते हैं, एक ठो दोस्त होता है, एक ठो बहन होती है, एक ठो माए बाप और भाई, यही 4-5 गो सब टाइम अपना होता है, बाकी जितने अपने हैं ना वो आखिर में अपने होते हैं, बाकी जितना है वो आखिर में अपने होते, कब अगर सफल हो जाइएगा तो आपको उत्तर आएगा मेल मिलाप करने के लिए, और नहीं सफल होइएगा ताना मारे लगेगा वह आदमी, कभी भी 4 लोग चक्कर में मत पड़िएगा, क्या कहेंगे 4 लोग, आप कहिए कि UPSC तैयारी कर रहे हैं, सब आपको मजाक उड़ा देगा, कब उड़ाएगा जब एग्जाम नहीं कंडक्ट होगा तब, ठीक है। तो 4 लोग तो कहना, 9 लोग 4 लोग जो होता है ना जिंदगी में, 9 लोग 9 दिन बात कर रहा बनाता अलग अलग, वो 4 लोग चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है, जो पढ़ा रहे हैं उसको देखते चल जाइए। और आप लोग को नींद कैसे आता है, नींद आने में चाहिए, ठीक है। LPS पता हो गया, सबसे ज्यादा नुकसान कौन, L, कम उससे S, सबसे कम नुकसान P तरंग गति 6 किलोमीटर/सेकंड, कोई दिक्कत, ये तीनों अवस्था में चल सकता है, कम विनाश करता है, S तरंग ये अनुधर अनुप्रस्थ में चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है, दर में चलेगा, ठोस गैस में चलेगा, कोई दिक्कत, इसे द्वितीय तरंग भी कहते हैं, कायल बहु P तरंग के बाद पहुंचती है, L तरंगे बहु एल तरंग खोज के किया था HD लव, कोई दिक्कत, हम लिख लिपि मेरे एस तरंग होती है, एल तरंग कोई दिक्कत, HD लव, ये तरंग जो होता है कितना स्पीड होता है 1.5 किलोमीटर/सेकंड, वो ये भी तीनों अवस्था में चल सकता है, कोई दिक्कत, सबसे ज्यादा खतरनाक होता है कौन, एस, कोई दिक्कत, इसीलिए देखते हैं मेरा स्पीड दुगना, भूकंप क्लियर हो गया आप लोग को,
कोई दिक्कत नहीं ना। ऐसे भूकंप कहीं पड़े थे? नहीं पढ़ाए थे हम, ऑफलाइन तो पढ़ ही लिया। तो सुनिए बाबू, हल्ला नहीं कीजिए। भूकंप को सिस्मोग्राफ से दर्शाया जाता है, इसे मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग करता है। भूकंप किसे दर्शाया जाएगा बाबू? सिस्मोग्राफ से दर्शाया जाता है, कोई दिक्कत? रिक्टर स्केल इसका प्रयोग होता है, कोई दिक्कत? भूकंप किससे बाबू? सिस्मोग्राफ से दर्शाया जाता है, रिक्टर स्केल से क्या करते हैं, प्रयोग किया जाता है। रिक्टर स्केल पर 0 से लेकर 9 तक अंक होता है। वो रिक्टर स्केल पर कितने बहु? 0 से 9, फिर कितना हो गया वो? 0 से 12, ठीक है, कोई दिक्कत? प्रत्येक की संख्या अपनी के पहली के कितना होता है? पहली के 10 गुना, फिर एक कर बहु 10 गुना, ऐसे होता है, ठीक है, खतरनाक होता है। 7 तीव्रता से अधिक भूकंप खतरनाक है। 7 क्या है बहु? अधिक खतरनाक है, कोई दिक्कत? भूकंप मापने के लिए पहले मार्कोली स्केल का मरकेली लिखना चाहिए। मार्कोली स्केल का प्रयोग किया जाता था जिसमें 1 से 12 तक, माने 1 से 12 मरकेली, कोई दिक्कत? सिस्मोग्राफ दर्शाया से जाता है भूकंप किससे? सिस्मोग्राफ से दर्शाया जाता है, किससे बहु? सिस्मोग्राफ से दर्शाया जाता है, मापा जाता है, कोई दिक्कत? रिक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं और उसमें अंकों की संख्या कितनी होती है बहु? 1 से 9, कोई दिक्कत? आप प्रत्येक संख्या की कितनी? 10 गुना, 1 से 9 चल जाइए, आप प्रत्येक 10 गुना करते चल जाइए, कोई दिक्कत? समझ आ गया? आप पढ़ते हैं हम लोग सुनामी, की पढ़ते हैं वो सुनामी। कोई दिक्कत बहु? हमने में वो लड़की आती थी, उसका नाम हम लोग जब क्लास में पढ़ते थे ना, उसका नाम था सोनाली। एगो हमको जानते हैं फोन के लिए रखना पड़ेगा असिस्टेंट। ठीक है, सुनामी, सुनामी पढ़ा देंगे, फिर ज्वालामुखी पढ़ा छुट्टी दे देंगे आप लोग, ठीक है? आज का क्लास में सुनामी या ज्वालामुखी खत्म कर देंगे। उसका नाम था क्या? अंजलि, हाँ सुनाली, चलो जाओ, तुम डिस्टर्ब कर रहा है क्लास में, ठीक है? क्या नाम था उसका? वो जब भी क्लास में आती थी हड़बड़ में आती थी, ठीक है, और हड़बड़ी में उसको हम लोग सोनाली सोनाली दीदी बोलते, दीदी बोलते थे। हम लोग से लंबी थी उस टाइम में, हम लोग तो छोटे छोटे में चल गए थे 8-9-10 में, ठीक है, तो उसे गए थे, उसको दीदी बोलते थे। तो जब जाते हैं कल तुझे सुनामी यन करते रहती है, और सुन गए हम लोग के प्रधान अध्यापक, उसको सुनामी नाम रख दिए सर, रख दिए। एक बात, स्लो मौसम में उसको हम लोग से बोलते थे क्या? एल तरंग, तो बोलता हमको एल तरंग का है, बोलता है। उस टाइम हमको भूकंप का जानकारी था, पढ़े थे हम लोग को बिंदेश्वरी सर जो मैथ पढ़ाते थे, एक दिन भूकंप के बारे में पढ़ा रहे थे, कल कह रहे तू एल तरंग नियन काम करो, तू एल तरंग, सर काहे बोलते हैं ऐसे? कल बोले थे सर पीक सबसे ज्यादा गति, एल सबसे कम, एस मीडियम, तो वो दी जो आती थी हड़बड़िया में उसको हम बोलते थे पी तरंगे, ठीक है, सुनामी इंजीनियर काम करता। आएगो जो स्लो मौसम आती थी वो एवरीडे, अगर क्लास 10 बजे है वो 10:30 से पहुंचेगी, क्लास 10:30 में है वो 11 बजे पहुंचेगी, पता नहीं उसको होता क्या था। ये आप लोग जैसी, आप लोग कैसे 6 बेटे में 26 से पहुंचेगा? नहीं तुम लोग तो ठीक है, लड़की बहुत अच्छी होती है, ठीक है, अच्छी बोले थे, मजाक नहीं लगा, ठीक है। सुनामी, सुनिए बहु, यह जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बहुत ही ऊंची तरंगे। सुनामी कौन सा शब्द है? जापानी। ये कहां से लिया गया बहु? जापानी शब्द, इसका अर्थ क्या होता है बहु? बहुत तीव्रता वाला भूकंप। जब भूकंप समुद्र के नीचे आता है तो सुनामी कहते हैं। सुनामी किसे कहते हैं बहु? जब समुद्र के नीचे भूकंप आता है उसे क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। इससे तरंग का आयाम, आयाम का मतलब क्या होता है? ऊंचाई।
आयाम का मतलब क्या था भाव? ऊंचाई। बहुत बढ़ जाता है, जापान में सर्वाधिक सुनामी आता है। सबसे ज्यादा कहाँ आता सुनामी? जापान में। सबसे विकसित कंट्री कौन है? जापान। जापान और विकसित रहता जब नागासाकी पर बम नहीं गिराता बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति तो समझा या, लेकिन दुदू को बेचारा पर परमाणु बम गिरा दिया। 2004 में इंडोनेशिया में आए हुए सुनामी से इंदिरा प्वाइंट डूब गया। 2004 में वो सुनामी आया था, कितना बहु? इंडोनेशिया में सुनामी इंदिरा प्वाइंट को क्या किया? इंडोनेशिया के इंदिरा प्वाइंट को डुबा दिया। सुनामी कब? 2004 में। 2004 में दादी एक्सपायर कर गई थी, ठीक है, डूब गया। भारत ने सुनामी चेतावनी प्रणाली हैदराबाद विकसित किया। भारत में एक जगह सुनामी एरिया बन गया, कौन बहु? हैदराबाद। यहाँ कभी भी सुनामी आ सकता है और हैदराबाद गायब भी हो सकता है। क्या हो सकता है? गायब। कोई दिक्कत हो आप पढ़ते हम लोग बोल के नो, जब सुनामी है क्या समुद्र के नीचे आ गया कंपन को क्या बोलते हैं? सुनामी बोलते हैं। सुनामी कौन सा शब्द है बहु? जापानी शब्द में। अब जापान में इसे क्या बोला जाता है बहु? ये उच्च तरंग के भूकंप है बहु, कोई दिक्कत। इंडोनेशिया में आया था 2004 में सुनामी आया था, इंदिरा पॉइंट को डुबा दिया, सुनामी हो गया। क्लियर? क्लियर मिटा दे। हम इतना स्पीड पढ़ा रहे हैं कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, फरवरी आते आते आप लोग को क्लियर कर देंगे, ठीक है। फरवरी आते आते आप लोग को क्लियर कर देंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना। क्या पढ़ेंगे? ज्वालामुखी। वोल्केनो। इंग्लिश से दास पर हम ज्यादा नहीं रखते, ठीक है। ज्वालामुखी क्या बोलते हैं वो? वोल्केनो बोलते हैं। पृथ्वी के मेंटल से तरल मैग्मा जिस प्रक्रिया से बाहर आता है उसे ज्वालामुखी कहते हैं। पृथ्वी के अंदर से जो लावा निकलता है उसे क्या कहते हैं वो? ज्वालामुखी। ये दिखा रहा है फिगर, दिख रहा है आ? बैंकर पर ही बालवीर धड़ बिकते रहता है ना, समझ जाइए उसे ज्वालामुखी कहते हैं। मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो उसे लावा कहते हैं। देखिए वो हल्ला नहीं कीजिए। जैसे कि देखो एक कुआं है, क्या बो? इसे निकल रहा है कि निकल रहा है? इसे मैग्मा निकला, बाहर निकल गया, क्या निकल गया बो? ये मैग्मा। क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास को? क्या हल्ला कर रहे हैं? ये निकला, ये जो मैग्मा निकला, क्या निकला बो? मैग्मा निकला। मैग्मा जब ठंडा हो जाता तो उसे क्या कहते हैं? ना लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? इससे निकला मैग्मा, मैग्मा ठंडा हो गया, क्या बन गया? ये ठंडा हो गया, क्या हो वो? ठंडा हो गया। ये क्या लूप ले लेगा वो? लावा। कोई दिक्कत? ज्वालामुखी किसे कहते हैं तो पता बता दिए। ज्वालामुखी से जो मैग्मा निकलता है वो ठंडा हो क्या बन जाएगा वो? लावा। जब मैग्मा जमा पानी में जम जाता है तो उसे टफ कहते हैं। कभी देखे हैं मैग्मा कहीं पे जम जाता है और पानी से उसे ठंडा हो जाता है या कुछ भी हो जाता, पानी से कुछ भी हो सालों वर्षों बाद वो खुद जम जाएगा या पहाड़ हो जाएगा। ज्वाला पहाड़ का निर्माण कैसे होता है? ज्वालामुखी फटता है ना तब पहाड़ का निर्माण होता है, ठीक है। जब वो ज्वालामुखी फटता है मैग्मा बाहर निकला, मैग्मा बाहर निकला और जो मैग्मा ठंडा हुआ उसे लावा कहते हैं। वो लावा जो जम गया उसे टफ कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? टफ। क्या कहते हैं बहु? अफा। पहले देखिए बहुत, ज्वालामुखी किसे कहते समझ में आ गया? ज्वालामुखी क्लियर हो गया। दूसरा क्या पढ़ाए थे वो? मैग्मा। तीसरा क्या पढ़ाए थे वो? लावा। चौथा क्या पढ़ाए वो? टप। कोई दिक्कत? देखिए छोटा छोटा व्यू पॉइंट होता है, ये देखते चलिएगा ताकि आप लोग को हेल्प मिल जाए। मैग्मा जिस छिद्र से निकलता है उसे ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। मैग्मा जहां से निकलता है उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी छिद्र। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी छिद्र। मैग्मा जहां से निकलता है उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं, ठीक है। तो उसे क्रेटर कहते हैं, या तो उसे क्या कहते हैं? क्रेटर। इसको क्रेटर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत? जहां से मैग्मा निकलता है उसे क्या कहते हैं? उस छिद्र से क्रेटर भी कह सकते, कोई दिक्कत? क्रेटर का आकार जब बड़ा हो जाता है तो उसे कालडेरा कहते हैं। जब जानते हैं ये छिद्र हल्का सा बड़ा हो जाता है, क्या हो जाता है वो? बड़ा।
ये छिद्र क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, कालडेरा कहेंगे, कहेंगे कालडेरा कहते हैं, कालडेरा कहते हैं। कोई दिक्कत, कालडेरा कहते हैं। कालडेरा में जब विस्फोट रूप लेता है उसमें वर्षा जल भर जाता है, उसमें कालडेरा झील, जब कालडेरा में विस्फोट होता है, विस्फोट होता है और वर्षा होने के बाद वो कालडेरा में पानी जम जाता है, उसे क्या कहते हैं, कालडेरा झील कहते हैं। कोई दिक्कत हो, कालडेरा झील किसे कहते हैं लोकेश, कालडेरा झील किसे कहते हैं, मुंह चाप देने हो गया, कालडेरा झील वो पहले सुनिए, कालडेरा कहते किसको, ज्वालामुखी छिद्र जो बड़ा हो जाता है उसे कालडेरा कहते हैं। कालडेरा में जो विस्फोट होता है और फिर वहां वर्षा होता है, पानी को जमा कोई क्या कहते हैं, कालडेरा झील कहते हैं। कोई दिक्कत, आप सुनिए बहू, ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी नहीं है, अंटार्कटिका में भूकंप नहीं आता, यूरोप में मरुस्थल नहीं है, उत्तरी अमेरिका में एक भी ज्वाला स्थल और उद्देश्य नहीं है। हम पढ़ाए थे स्थल और उद्देश्य किसे कहते हैं, ठीक है। सऊदी अरब में नदी नहीं है, ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं, क्या बहु, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, इतना इरेज कर दे, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वोल्केनो, ने इंग्लिश को हमको आ गया, आप लोग सब में ज्वालामुखी लगा दीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, वो तीन प्रकार के होते हैं। बैठ जाओ, ठीक है, हम लोग देख लिए थे वो ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ज्वालामुखी कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, कितने प्रकार के है ज्वालामुखी, थे मृत सुसुप्त सक्रिय। कोई दिक्कत, सब में ज्वालामुखी है, कोई दिक्कत, आप सुनिए बहू, मृत इस ज्वालामुखी में कोई भी विस्फोट नहीं होता, माने मृत बहु कोई भी विस्फोट नहीं होगा, माने बहु मृत ज्वालामुखी में कोई भी विस्फोट नहीं होगा। तुमसे पूछेगा कि मृत ज्वालामुखी किसे कहते हैं जिसमें कोई विस्फोट नहीं हो, कोई भी प्रकार का हलचल नहीं होगा इसमें, ठीक है। भारत, नारकोडम म्यांमार में, पोला ईरान में, देवबंद कोहेम सुल्तान, ये सब जो नाम लिए वो यहाँ ज्वालामुखी स्थित है। कोई दिक्कत, भारत में कौन है वो, नारको नारकोंडम है, नारकोंडम भारत में कौन ज्वालामुखी है वो, नारकोंडम। कोई दिक्कत, म्यांमार है वो पोपा, कोई दिक्कत, याद हो गया, इसमें कोई भी विस्फोट नहीं होगा। भारत में वो नारकोंडम, म्यांमार है वो पोपा, कोई दिक्कत, ईरान है वो देवबंद, कोई दिक्कत, लिख दे, भारत में कौन सा ज्वालामुखी, कौन सा मृत ज्वालामुखी, नारकोंडा में पढ़ाई ना, नारकोंडा, म्यांमार है बहु पोपा, कोई दिक्कत, ईरान में देवन, दिक्कत, ये हो गया क्लियर, समझा गया। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, अभी आप लोग नोट के चक्कर में कहे पढ़ रहे हैं, नोट के चक्कर मत पढ़िए, ठीक है, अभी सिर्फ देखते जाइए, याद नहीं होगा तो बोलिएगा, जैसे बहु इसमें कोई विस्फोट नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत, उसे क्या कहेंगे, मृत ज्वालामुखी। भारत में कौन सा मृत ज्वालामुखी भी हो, नारकोंडम, कोई दिक्कत, म्यांमार बहु पोपा, ईरान है बहु देवन, कोई दिक्कत, अब हम लोग चलते क्या बहु, सुसुप्त, सुसुप्त, कोई दिक्कत, सुनिए बहु, इस ज्वालामुखी में विस्फोट नहीं होता है किंतु कभी कभी विस्फोट होता है, मने बहु इसमें कभी कभी होता है, यस एंड नो,
माने होता भी है और नहीं होता, कभी कभी होता है और कभी कभी नहीं होता, पता नहीं बीच में किधर चल जाता है। ये वो जो है ना जापान वो फ्यूपेमावा है कि वो फ्यूमास जिस सिनाका, इंडोनेशिया में क्या है वो सिनाका, इंडोनेशिया में सिनाका, इटली में वो विसुवियस, ये सब जो है वो सुसुप्त जो है ज्वालामुखी का नाम है आई देश में, भारत में ऐसा नहीं है। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी वो, इसमें हमेशा विस्फोट होते रहता है, यह सबसे घातक है। ठीक है, वो विस्फोट के मतलब क्या था, उद्गार, हमेशा विस्फोट होते रहता है, कोई दिक्कत। भारत में बहु, इसमें बहुत बहुत सारा है वो, भारत में बैनर, क्या बहु, भारत में बैनर, भारत में बहु बैरन होता है, बैरन। इटली में बहु एस्ट्रोबोली, ये सब जो है नाम बहु, यूएसए में बहु अस्पर, ये सब हम बता रहे हैं ना, हम बोलते हैं जो कितना लिखे आप पीडीएफ में कॉन्टेक्ट करके आप लोग को दे देंगे, और नहीं तो आप लोग को बोलते यार नोट डाउन करते चल जाइएगा। यूएसए में वो अस्पर होता है, रूस में वो बेंजामियानी होता है, क्या होता है वो बेंजामिनी होता है, इंडोनेशिया में वो सोमेरू होता है, क्या होता है, ये सब वो क्या भूकंप के ज्वालामुखी का नाम है, कोई दिक्कत। अब सुनिएगा, बहु ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं, ओजोन को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं, ज्वालामुखी वो पृथ्वी का सुरक्षा कवच कौन है जी, ज्वालामुखी को पृथ्वी का क्या कहते हैं, सुरक्षा बाल्ब कहते हैं, बाल्ब, बाल्ब में दीवाल, वाल्ब में दीवाल होता है ना, वाल्ब, वाल्ब में दीवाल नहीं होता है, पृथ्वी की सुरक्षा दीवाल किसे कहते हैं, ज्वालामुखी को, और सुरक्षा कवच ओजोन परत को, पृथ्वी की सुरक्षा कवच वाल ज्वालामुखी, कोई दिक्कत। ज्वालामुखी के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प, जलवाष्प में CO2 निकलता है, क्या निकलता है वो, ज्वालामुखी जब फटता है क्या निकलता है वो, सल्फर डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प तथा CO2, कोई दिक्कत। अब बताइए बहुत, सर्वाधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर जिसके अग्नि वलय होते हैं, ठीक है, सर्वाधिक ज्वालामुखी आता है वो प्रशांत महासागर में। अभी हम पिछला 10 मिनट के पहले पढ़ाए थे प्लेटो की सर्वाधिक संख्या कहाँ है वो, 7, वो भी प्रशांत महासागर में। सबसे ज्यादा भूकंप भी कहाँ आता है वो, प्रशांत महासागर में आता है, क्यों, क्योंकि प्लेटो की संख्या सर्वाधिक वहीं पे है, कोई दिक्कत। टोटल प्लेटो की संख्या कितनी है, 27, सेवन कहाँ है वो, 7 बड़े प्लेट कहाँ है वो, प्रशांत महासागर में, इसीलिए भूकंपों की संख्या, भूकंप सबसे ज्यादा कहाँ आता है वो, प्रशांत महासागर में। सर्वाधिक स्थलीय ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी, स्थलीय ज्वालामुखी कहाँ है वो, इंडोनेशिया में, कहाँ है, सबसे अधिक ज्वालामुखी, स्थलीय ज्वालामुखी कहाँ, इंडोनेशिया में। अलास्का को ज्वालामुखी के अधिकतर कारण हजारों धुआंधारों का प्रदेश कहते हैं, वो अलास्का के ज्वालामुखी का प्रदेश कहा जाता है, किसे कहते हैं वो, अलास्का के ज्वालामुखी का प्रदेश कहा जाता है, कोई दिक्कत। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी इटली का एस्ट्रोबोली है, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है वो, इटली के एस्ट्रोम्बोली है, एस्ट्रोम्बोली, एस्ट्रोम्बोली है, एस्ट्रोम्बोली एक ज्वालामुखी है जो कहाँ पाया जाता है वो, इटली में, आज जो सक्रिय है, ठीक है, इसे भूकंप सागर का स्तंभ कहते हैं, भूकंप सागर का स्तंभ भी कहते हैं एस्ट्रोम्बोली को, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम थोड़ा सा ज्वालामुखी जो स्टूडेंट पढ़ा दिए, आज जो बोलते हैं ना वो नोट डाउन कीजिएगा, हम बार बार बोर्ड पे नहीं लिख सकते हैं, आप लोग बेहतर स्टूडेंट है, बोलने से अगर जो व्यक्ति लिख लेता है वो अच्छा काम कर सकता है आगे, ठीक है। नोट कौन करता है, महंगा महंगा स्टूडेंट जिसको कुछ नहीं आता, बोर्ड देखेगा लुक नोट, लुक नोट देखेगा, नोट करेगा, देखेगा नोट करेगा, लेकिन जो बोल के आप लोग कर लीजिएगा सो कर लीजिएगा, ठीक है। तो ज्वालामुखी हो गया क्लियर, ठीक है। अब कल पढ़ाएंगे आप लोग को रॉक माने चट्टान, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं कल के क्लास में।